हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले केशव महाविद्यालय कॉलेज के बारे में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस कॉलेज है और बहुत अच्छी रैंक रखता है इन कैटेगरी ऑफ कैंपस कॉलेजेस। सो लेट्स कंसीडर दिस कॉलेज। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिए। जब आप इसको गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो इसकी एक गलत लोकेशन भी आ सकती है। गूगल मैप इसकी दो लोकेशंस आपको बताता है। जो करेक्ट लोकेशन है वो मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। ये सैनिक विहार में है और इसका नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है पीतमपुरा। वहाँ से उतर के आप बैटरी रिक्शा करके यहाँ पहुँच सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है तो आप पैदल तो नहीं आ सकते इस कॉलेज मेट्रो से उतर के। बस स्टैंड इसके पास ही है और वो बस स्टैंड आपके किसी काम का नहीं होगा क्योंकि मेट्रो से बस यहाँ तक नहीं पहुँचती पीतमपुरा मेट्रो से। लेकिन एक और ऑप्शन है, वो है ग्रीन लाइन मेट्रो पे। बस ईस्ट पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पे उतर के आप बस कर सकते हैं, लेकिन वो बस हर 30 मिनट्स के इंटरवल में आती है तो आपको चेक करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी सूटेबिलिटी। वहाँ से वो बस डायरेक्ट यहाँ आती है केशव महाविद्यालय, या फिर वहाँ से उतर के आप रिक्शा भी कर सकते हैं। वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आफ्टर पीतमपुरा कहा जा सकता है, ईस्ट पंजाबी बाग, जो ग्रीन लाइन पे होता है। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज और फीस के बारे में। देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज हैं और फीस बहुत ही कम है। अंडर 10,000 आपका फर्स्ट ईयर का फीस होगा। ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको ज़्यादा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी एक्सेप्ट द कोर्स बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। इस कोर्स में आपको एक्स्ट्रा फीस इसलिए पे करनी है क्योंकि आपकी जो मोस्टली क्लासेस होगी वो कंप्यूटर लैब में होगी और कंप्यूटर लैब की अलग से कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर फीस ली जाती है, जो है एक्स्ट्रा 14,000 रुपीज़। सो इसलिए इस कोर्स की भी हाई है। अब बात कर लेते हैं इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर में सेमिनार हॉल है, देख सकते हैं ऐसा दिखता है। गर्ल्स हॉस्टल भी है, बहुत अच्छी खासियत है इसकी। बॉयज़ के लिए पीजी मिल जाएंगे आसपास, लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे इस कॉलेज में हॉस्टल ऑफर किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी हॉस्टल की आप देख सकते हैं। कैंटीन जैसा कि हर कॉलेज में होती है वैसी नॉर्मल कैंटीन। ऑडिटोरियम ज़्यादा बड़ा ही नहीं, एवरेज ऑडिटोरियम जैसा हर कॉलेज में होता है। एम्फी थिएटर यहाँ की खासियत है कि जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, रोल प्लेज, वो यहाँ पे किए जा सकते हैं और होते हैं यहाँ पे। फाइव पिलर्स भी हैं यहाँ पे जो किस चीज़ का सिंबल है। तो ओपन प्ले ग्राउंड है यहाँ पे, ज़्यादातर आपके स्ट्रीट प्लेज ही होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी NIRF की रैंकिंग की। तो इस बार ये कॉलेज 77 पे आया है। पिछले साल ये अंडर 15 में था, इस बार इसकी रैंक थोड़ी कम हो गई है। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। 2018-19 के बैच में 458 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से केवल 61 स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए हैं और उनकी जो मीडियम सैलरी थी वो थी 2,19,000 पर एनम। सो प्लेसमेंट आपको इस कॉलेज में ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्यू कॉलेजेस ऐसे ही प्लेसमेंट रखते हैं। जो इस साल की प्लेसमेंट थी उसमें कौन कौन से बच्चे प्लेस्ड हुए और जो हाईएस्ट पैकेज था वो क्या था। हाईएस्ट पैकेज जो था इस साल का वो 10 लाख रुपीज़ था। अभी आगे देखेंगे वो किसने क्रैक किया। जो एवरेज पैकेज था इस साल का वो था 4,07,153। सो डेलॉइट कंपनी यहाँ पे आती है और बहुत सी यहाँ पे ऑफ कैंपस ड्राइव या पूल ड्राइव भी होती है अदर कॉलेजेस के साथ। सो जोन सी ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेज या यहाँ पे आती है वो है डेलॉइट। डेलॉइट में 3,82,000 का पर एनम का पैकेज और ये ओनली फॉर बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। बीए या अदर बीएससी स्टूडेंट्स या फिर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स, एनीथिंग अदर देन बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई हियर। सो दिस इज द पैकेज ऑफर टू दीज स्टूडेंट्स इन द लास्ट बैच। नेक्स्ट इज ट्री विस्टा कंपनी एंड दिस इज ओनली फॉर बीएमएससी स्टूडेंट्स। द पैकेज इज क्वाइट हाई, 6,40,000 दीज स्टूडेंट्स वेर प्लेस्ड इन द लास्ट बैच। नेक्स्ट इज अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल डिपॉजिट सर्विसेज, दे ऑफर एन इंश्योरेंस रोल टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। द पैकेज इज 3,33,000। दिस इज सेम इन ऑल द कॉलेजेस ऑफ कैंपस, द स्टूडेंट्स प्लेस्ड यू कैन सी हेयर। सो दे अर्नस्ट एंड यंग कम इन ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट अ फ्यू। देयर पैकेज में डिफर अकॉर्डिंग टू कैंपस, बट इन ऑफ कैंपस कॉलेजेस देयर पैकेज रिमेन्स द सेम फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी सर्विस अर्नस्ट एंड यंग फॉर अश्योरेंस रोल that is around 3,33,000. Next organization is Infosys. This is only restricted to BSc Honors Computer Science students. So here you can see that computer science students have placements, but that is not as par with BTech students because their degree is considered to be a professional. So package here is quite low, 2,22,000 rupees, but this can be increased with experience. Next is TCS, Data Consultancy Service. This role is only for computer science honors students and the package is lower than the previous one. Next company is FIS Global Vodafone Team and they offer SEO team member role and the package is 3,20,000 per annum. This role is open to all the courses and it is not restricted to any specific course. You can see how many students were placed. Next organization is Lido Learning. It offered a business development role and the package was 10 lakh rupees. Only one student was selected and this was the highest package in Keshav Mahavidyalaya for the year 2019-20.
Now, the amazing fact about the college is that Saturday is off in the college, so you all need to go 5 days per week. Thank you for watching the video. In the upcoming videos, I will come with more colleges. Till then, subscribe the channel and like the video. Thank you.